अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि परसों रात को हम एक न्यू बर्ड लेके आए हैं ब्लू अपलाइन का, और उसकी पेयरिंग हमने ग्रीन यूविंग अपलाइन स्प्लिट ब्लू के साथ की है। और आपको आज की इस वीडियो में मैं यही दिखाऊंगा कि कैसे पता चलता है कि मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मोस्टली केस ये होता है कि जो फीमेल होती है वो मेल को मार रही होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये नीचे बैठा है ये ब्लू अपलाइन मेल है, और जो दूसरे केज के साथ बैठी बैठी हुई है वो ग्रीन यूविंग अपलाइन ब्लू है, स्प्लिट ब्लू। तो सिनेरियो ये होता है कि जब मेल और फीमेल दोनों एक ही स्टिक पे बैठना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे का पेयरिंग कर लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये बर्ड मैं लेके आया हूँ मंडे को, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वेडनेसडे को। तो मंडे को जब ये मैंने बर्ड लेके आया था, फीमेल इस मेल को मार रही थी, क्योंकि फीमेल हमने काफ़ी देर से इस केज में अलग ही छोड़ी हुई थी। तो परसों रात के लेके आया हूँ ब्लू अपलाइन का एक बर्ड, ताकि इसकी भी पेयरिंग स्टार्ट हो सके। मैं परसों रात की भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ताकि पता चले आपको कैसे एक दूसरे लड़ रहे होते हैं ये। अभी तक तो आप देख सकते हैं कि दोनों बैठे ही हुए हैं, स्किन से ही है। अभी फीमेल मार नहीं रही, ये तकरीबन 2 दिन तक यही सिनेरियो चल रहा था इनका। तो ये पता ऐसे ही चलता है कि जब ये दोनों लड़ना बंद कर देंगे, तभी होता है इनका पता चलता है कि इन्होंने एक दूसरे के साथ पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर देनी है। वरना जैसे ये करीब अभी जा रहा है ना बर्ड, मेल जा रहा है हमारा, मेल का बर्ड, तो अगर फीमेल इसको मार रही होती तो इसने अभी तक मारना शुरू कर देना था इसको, इसने पास भी अच्छा देना है इसको। ये देखिएगा, अभी मुझे लग रहा है फीमेल दोबारा मारेगी इसे। तो इस सिनेरियो में ये करना पड़ता है कि थोड़ी देर नज़र रखनी पड़ती है इन दोनों पे, कि फीमेल ज़्यादा ना मारे उसे और लड़ना शुरू कर दे ज़्यादा। अभी जैसे जैसे गौर गौर से देखी जा रही है ना, तो लग ऐसे ही रहा था जैसे ना मारना शुरू कर देगी अभी से। मैं शुरू नहीं किया परसों रात से, जो वीडियो बनाई उसमें तो इसने अभी तक मारना शुरू कर भी दिया था ऐसे देखते देखते ही। तो इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं फीमेल इसे मुसलसल मार ना रही और मारते मारते मार ही ना दे। ये देखिए, ये भी आई थिंक स्टार्ट करने लगी इसे मारना। नहीं किया, मेल इधर आ जाता है बार बार। ये कभी एक स्टिक पे बैठ जाते हैं, अभी वो पूरे एक दूसरे के हाथी नहीं हुए, लेकिन जैसे ही हो जाएंगे तो फिर ये लड़ना भी बंद कर देंगे। आज की इस वीडियो में मैंने बस आपको इतना ही बताना था कि कैसे देखें कि मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ पेयरिंग के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, और कैसे अगर ये लड़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। मैंने तो परसों रात ये किया था कि जब ये लड़ रहे थे तो पास इनके बैठ जाता था और केज कोई ना कोई शोर कर देता थोड़ा बहुत, तो फिर फीमेल का ध्यान उधर हो जाता था तो मारना बंद कर देती थी। स्टार्टिंग में तो क्योंकि फीमेल अकेली थी तो वो एक नया फर्द एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही कि मेरे साथ कोई और आके बैठेगा इधर। केज शेयर करना पड़ रहा है, ये देखें अभी इसे केज शेयर करना पड़ रहा है, तब वो मेल के साथ लड़ना शुरू कर देगी। ये मेल आगे बैठ गया, ये देखें अभी तक इनमें इतना पेयरिंग का नहीं स्नैच आया, लेकिन परसों रात तो बहुत ही लड़े। बस आज की इस वीडियो में इतना ही दिखाना था आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।